सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास राशन कार्ड यूजर हैं और अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं, आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके जो राशन कार्ड से लिंक है वो नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने आधार कार्ड के थ्रू आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और न्यू नंबर आप कैसे जोड़ पाएंगे और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को कैसे चेंज कर पाएंगे। आपको मेरा राशन 0.2 आपको अप्लीकेशन या 2.0 जो भी है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो कैसे उसको रजिस्टर करना है पूरी डिटेल आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक इकरार चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को 0.2 आपको प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट यूजर और यहाँ पर बेनिफिशरी यूजर, तो आपको अपना जो भी है आप यूजर हैं, अपने राशन कार्ड धारक हैं, तो आप यहाँ अपना अपना आधार नंबर एंटर, आधार योर आधार नंबर, तो जो भी आपके आधार नंबर है आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर जो एक कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर करेंगे और गेट लॉगिन पर यहाँ पर देख सकते हैं गेट लॉगिन OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आधार नंबर एंटर करके और कैप्चा एंटर करके आपको यहाँ पर लॉगिन OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर OTP भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं OTP सेंड कर दिया गया सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे, आपके जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर OTP आया, OTP को इंटर कीजिएगा। तो OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस हो जाएगा सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपना MPIN क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट MPIN, तो आप यहाँ पर क्रिएट MPIN पर क्लिक करके आप क्रिएट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने अपना जो भी है MPIN आपको जो भी है आपको पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से आएगा, तो आपको यहां पर क्रिएट MPIN कर लेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड मोबाइल नंबर जो भी है आपको OTP का डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा आप अपना MPIN से लॉगिन कर पाएंगे इस एप्लीकेशन में। तो आपको क्रिएट MPIN पर क्लिक करना होगा, 4 डिजिट का जो भी MPIN है आप यहाँ पर बना लीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, दोबारा रिकन्फर्म और यहाँ पर क्रिएट MPIN पर क्लिक कीजिएगा। सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे और आपके जो भी राशन कार्ड है आपको यहाँ पर कुछ प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हमने पहले से अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट किया है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो राशन कार्ड में कितने धारक हैं, आपको यहाँ पर कितने नंबर हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उनका डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करके अपन उनका डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जो भी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रैक माई राशन आपको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी आपके राशन कार्ड में कोई किसी भी तरह के सुधार या तो चेंजेस किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अपने माई राशन कार्ड जो भी मेरा राशन कार्ड 0.2 एप्लीकेशन है इससे अपना जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी राशन कार्ड है यहाँ पर PDF में डाउनलोड हो जाएगा, आपके जो फोल्डर है आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना जो भी है डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सेंड OTP, यहाँ पर देख सकते हैं OTP सेंड सक्सेसफुली यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर इंटर कर लीजिएगा। जैसे हम OTP इंटर कर लेते हैं वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं OTP सबमिटेड सक्सेस वेरीफाई सक्सेसफुली। आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर रिक्वेस्ट ID आपको जनरेट कर दिया गया है, आप इसे ID से अपना जो भी है इसको ट्रैक कर पाएंगे। और व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर गो टू व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी स्टेटस है आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। हमारे जो भी है दोनों नंबर पे यहाँ पर दोनों नंबर का जो भी नंबर जुड़े हैं उनका जो मोबाइल नंबर हमने अपडेट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर से देख सकते हैं स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना जो भी है मेरा राशन कार्ड 0.2 आपको एप्लीकेशन में लॉगिन हो पाएंगे और अपना जो भी है अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो टेक इकरार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी भी तरह के सवाल या तो क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।